दोस्तों कैसे ठीक ठाक होंगे। ये दोस्तों हमने देसी घी की दो इसमें चमची डाली है। अब हम इसमें कुचला डालने लगे हैं। देखेंगे कुचला जो हमने काटा हुआ है। दोस्तों आपने साथ साथ चलाते जाना है इसे, जब पक जाए अच्छी तरह से तब आप इन खा दिएगा। ये दोस्तों आपके कुचले के हिसाब से घी पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा है तो फिर 3 चम्मच भी पड़ सकते हैं, अगर कम है तो फिर 1-2 भी चम्मच पड़ सकते हैं। ये देख लो दोस्तों, आपने अच्छी तरह से हिलाना है, कोई कच्चा ना रहेंगे इसमें। जब वो बहुत हार्ड हो जाता फिर वो खा नहीं होता। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब ये हल्के से ब्राउन हो जाए फिर आप बता दीजिए, और मैं आपको निकालकर दिखाऊंगा। ये दोस्तों ये ब्राउन हो चुका है, डार्क ब्राउन। ये देख मेरा ये अच्छा, आप इसे निकाल लीजिए। देखो ये दोस्तों जब ये सूख जाएंगे तो ये फिर हार्ड हो जाएगा। आप मैं दोस्तों ऐसे ही हल्का ब्राउन कर लेना और फिर आप इसे खाल कर लें अच्छी तरह।
दो से तीन घंटे से सूखने के बाद। ये देखो ये और भी हमारे पास, ये भी ऐसे ही होगा, ये देख लें भी हमने डाल दिया। ऐसे घी में जी दोस्तों, शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। ये जब ये हमारा कुचला सूख जाएगा तो दोस्तों आप इसे कट कर लें अच्छी तरह से, और जो खल नहीं होगा कुचला आपका वो अच्छी तरह से पका नहीं होगा, उसे आप निकाल दें। और बाकी जो आपका ये देख लिया और फिर दोस्तों इसे आप कट कर लें अच्छी तरह से। दोस्तों आपने सुबह शाम इसकी एक रत्ती खुराक ले लें, और इसके फायदे भी मैं आपको जब खड़ करूँगा तब इसके बताऊँगा मुकम्मल। देखो तो शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। जब हम इसे अब खड़ करेंगे फिर इसके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा।